हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल डिश मुत्तंजन रेसिपी शेयर करूंगी। यह स्वीट डिश है, इसे आप किसी भी पार्टी या स्पेशल ओकेज़न पर बना सकते हैं। यह डिश लोगों को बहुत 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 पसंद आती है। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। को बनाने के लिए हमने यहाँ एक कटोरी चावल ले लिया फ्रेंड्स। ये बासमती चावल हमने लिया है, आपको जो मर्जी वो चावल ले सकते हैं, लेकिन अगर जो ये बासमती चावल लेंगे तो इससे ज़्यादा और अच्छी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चावल लें, छोटा या बड़ा, वो पुराना होना चाहिए। पुराना चावल ज़्यादा खिला खिला बनता है। तो हम यहाँ एक बाउल लेंगे और इसमें ये पूरा चावल डाल देंगे और चावल को पानी डाल के अच्छे से धुल लेना फ्रेंड्स। यहाँ आप चाहें तो इसे 10 मिनट के लिए भिगो के पानी में रख सकते हैं, लेकिन मैं बिना भिगोए इसको बनाऊंगी और बहुत ही अच्छा बनके तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अच्छे से इसको धुलना है जब तक इसका ये क्लाउडी वाला पानी ख़त्म ना हो जाए, बिल्कुल क्लीन पानी दिखे तब तक हमें इसको वॉश करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस स्टेज तक इसको धुलना है जब तक पानी एकदम क्लीन ना हो जाए। तो अब इस पानी को ड्रेन आउट कर देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए और हमें ऐसे ही उबलता हुआ पानी चाहिए फ्रेंड्स। आप चाहे तो चावल को आधे घंटे तक भिगो के रख सकते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट बना के आपको दिखाऊंगी, जिससे बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत झटपट बन जाएगा। तो आप चावल को बिना भिगोए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चावल में मैं आधा ये चम्मच मैंने रिफाइन तेल लिया है, आप चाहें तो यहाँ घी भी ले सकते हैं, इसको ऐड कर दूंगी, इससे चावल बहुत खिला खिला बनेगा। यहाँ नमक वगैरह कुछ ऐड नहीं करना है और अब इसको अच्छे से स्टर कर लेना है। और अब मैंने लिया है यहाँ एक नींबू का रस, इससे चावल बहुत क्लीन बन के तैयार होगा। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर व्हाइटनेस ज़्यादा बढ़ गई है। और हमें चावल को बस 80% तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए, अब ये चावल 80% तक कुक हो गए हैं, ये अच्छे से टूट जा रहे हैं। तो अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी यहाँ और इसको पानी से निकाल लूँगी चावलों को। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पानी से इसको ड्रेन आउट कर लिया है और पानी ये नीचे है, इसको फेंक दूँगी और चावल अभी इसी स्ट्रेनर में मैं रखूँगी। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। मैंने यहाँ गैस पे उसी कढ़ाई को ले लिया है, तो अब इसमें घी डाल देंगे। ये देसी घी बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है, तो 2 चम्मच भर के इसमें देसी घी डाल देंगे और इसको अच्छे से मेल्ट हो जाने देंगे। तो घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया फ्रेंड्स। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट ले लिए हैं काट के, आपको जो ड्राई फ्रूट हो वो ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे, तो बहुत हाई फ्लेम पर नहीं, मीडियम फ्लेम पर ही इसको, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने पर, बहुत ज़्यादा नहीं हमें कलर चेंज करना है, बस ये थोड़ा सा इसमें पिंकिश कलर आ जाए, बस उतना ही हमें चाहिए, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अब इस स्टेज पर हम थोड़ा सा इसमें किशमिश डाल देंगे। किशमिश पहले डालते तो ये किशमिश बहुत जल्दी जलने लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी वीडियो शूट नहीं हो पाई है। मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी कटोरी से एक कटोरी मैंने यहाँ चीनी डाला है, और 3 से 4 चम्मच या आधा कटोरी से कम आप पानी इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि पानी डालेंगे तभी चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट होगी। हमें उतना ही पानी लेना है जिससे चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अब हम यहाँ इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ खड़ी इलायची को भी कूट के डाल सकते हैं, लेकिन ये पीसी हुई इलायची का ज़्यादा अच्छा फ्लेवर इसमें आएगा। तो फ्रेंड्स, हमें उतना ही पकाना है जिससे एक तार इसमें बन जाए। तो अभी कोई तार नहीं बन रहा, तो थोड़ा हम इसे और पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अब इसमें तार बन रहा है, आप देख पा रहे हैं कि इसमें हल्का हल्का तार बन रहा है, बस इतना ही हमें पकाना है। तो अब इसमें चावल को हम ऐड कर देंगे, जो हमने चावल को छान के रखा था, और बहुत आराम से इसको स्टर करना है इसमें, नहीं तो चावल आधा पके हैं, टूट सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने अच्छे से मिक्स कर लिया चावलों को, बहुत ज़्यादा इसे स्टर नहीं करना है। और अभी से ये बहुत ही सुंदर लग रहा है,
तो अब इसमें हम थोड़ा सा कलर, फूड कलर ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमने फूड कलर ले लिया है, आप देख पा रहे हैं जो कलर आपको इसमें डालना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो ऐसे इसको बना के खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। या इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, थोड़ा येलो कलर आ जाएगा। मैं यहाँ फूड कलर डाल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा एक एक जगह मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये मैंने ऑरेंज कलर लिया है और यहाँ मैंने रेड कलर लिया है, यहाँ रेड डाल दूँगी। थोड़ी दूरी पर हमें डालना है। और ये हमने पिंक कलर लिया है, इसको भी ऐड कर देंगे। और थोड़ा सा हमने ब्लू कलर लिया है। फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ ग्रीन कलर भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी ऐड कर दूंगी। और एक दो ड्रॉप हम ग्रीन कलर भी यहाँ ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस दो ड्रॉप मैं ऐड कर दूंगी। और अब इसको ढक के 2 से 4 मिनट ऐसे पकने दूंगी, एकदम स्लो फ्लेम पर हमें फ्रेंड्स पकाना है। तो उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ। फ्रेंड्स अब मैंने गैस का फ्लेम बंद कर लिया है और देख लेते हैं, वाह कितना डिलीशियस लग रहा है देख के। तो अब इसको सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं। फ्रेंड्स इसके पहले मैं यहाँ टूटी फ्रूटी ली हूँ, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाली हूँ, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको भी इसमें ऐड कर दूँगी, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही यमी लगेगा खाने में। जो इसका खाने में जो थोड़ा सा क्रंच आता है बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप किसी भी छोटी मोटी पार्टी में इस रेसिपी को बना सकते हैं, जिसे लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, तो ये खाने में कितना यमी होगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना शानदार ये बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि कितना डिलीशियस है ये, देखने में ही बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने सर्व कर दिया और कितना ये अट्रैक्टिव लग रहा है खाने में, तो पूछिए मत, बच्चे तो बहुत खुश होके खाते हैं। तो आप इस हेल्दी रेसिपी को किसी भी पार्टी ओकेज़न या खुशी के टाइम में इसको बना सकते हैं, जिसे हर कोई बहुत चाव से बहुत पसंद से खाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप देख पा रहे हैं कितना यमी कितना शाइनी ये बना है। फ्रेंड्स मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।